दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम यादव प्रधान। दोस्तों MMID कैसे मिले, आइए दोस्त जानेंगे और सीखेंगे। इसीलिए हम जाएंगे YONO SBI में। ये मेरा YONO SBI है, यहाँ हम क्लिक करेंगे, अभी खुलेगा YONO SBI। YONO SBI को हम MPIN डाल करके लॉगिन करेंगे। अगर आपका MPIN नहीं, User ID है, तो आप लैपटॉप से भी User ID डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मैं अभी MPIN डाल के लॉगिन करूँगा। एक मिनट इंतज़ार करिए दोस्त, स्लो हो रहा है। ठीक है दोस्त, मैं इसको थोड़ा वेट करता हूँ और फिर आगे बढ़ाता हूँ, यानी रिप्रेस करता हूँ। एक खुल गया मेरा, यहाँ MPIN डालूँगा। MPIN डाल दिया दोस्त, अभी खुलेगा। ये खुलने के बाद हम नेट स्लो हो रहा है दोस्त, नेट स्लो के वजह से यह धीरे चल रहा है। ठीक है दोस्त, थोड़ा घबराए नहीं। अगर दोस्त आपको MPIN YONO SBI से आपका नहीं है, आप ब्रांच विजिट करके भी ब्रांच से ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ सर्विस में क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्त, सर्विस में मैं क्लिक कर दिया और यहाँ MPIN में क्लिक करूँगा मैं। ठीक है दोस्त, MPIN में यहाँ MPIN क्लिक करोगे तो अपना आप फिर यहाँ व्यू MMID यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे तो आपका MMID दिखाई देता है। देखिए देखिए, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा 7 अंकों का MMID। अगर आप किसी को ये अकाउंट नंबर देना नहीं चाहते हो तो ये MMID और आपका मोबाइल नंबर देने से भी कोई भी आपको MMID के ज़रिए पैसे आपको दे सकता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए MMID देने से IFSC कोड अकाउंट नंबर जरूरत तो नहीं पड़ता है। इसी तरह ये फ़ायदा होता है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।